आज की प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जी मौजूद हैं। मैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता में अपनी बात को रखें। धन्यवाद रघुवंशी जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी और नवीन कुमार जी, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी, रघुवंशी जी और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले मैं पीछे स्क्रीन पर एक वीडियो चलाने के लिए कहता हूं कि वो वीडियो जरूर चलाई जाए ताकि जिस मुद्दे पर हम लोग आज बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको सच्चाई पता लगे। ऑडियो नहीं आ रहा शायद। जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं भी उनको अब गालियां देनी चालू कर दूं। आप क्या चाहते हो कि वो गाली देते हैं, दो गाली देते हैं तो मैं भी कहूं अब मैं ये ऐसा मैं वो वैसा। इसमें चला देता हूँ। चलो इसी में चला। इसको शुरू करो जीरो से। आप शुरू कर रहे हो? ये वीडियो शुरू से करो। जो लोग गाली गलौज शुरू से कर दो। कर दिए, चलो। कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं भी उनको अब गालियां देने चालू कर दो। आप क्या चाहते हो कि वो गाली देते हैं, दो गाली देते हैं तो मैं भी कहूं अब मैं ये ऐसा मैं वो वैसा। मेरे को ये गाली गलौज नहीं करनी। जो गाली गलौज करके सोशल मीडिया पे गलत कर रहे हैं, दो लोगों को उठा के जेल भेज दो, सारे ठीक हो जाएंगे। जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं भी उनको अब गालियां देने चालू कर दो। आप क्या चाहते हो कि वो गाली देते हैं, दो गाली देते हैं तो मैं भी कहूं अब मैं ये ऐसा मैं वो वैसा। मेरे को ये गाली गलौज नहीं करनी। जो गाली गलौज करके सोशल मीडिया पे गलत कर रहे हैं, दो लोगों को उठा के जेल भेज दो, सारे ठीक हो जाएंगे। आज मेरे पास पुलिस नहीं है। पुलिस होती इनको चार पांच को जेल भेज देते, सबकी सब सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपने वीडियो में सुना होगा, पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया इस तरह की बातें पहले भी कर चुके हैं और जो उन्होंने कहा उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा क्या थी। इसके साथ ही साथ जो उनकी मंशा थी वो आज जो वो काम कर रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस आ जाएगी हमारे पास तो हम ये सब लोगों को ठीक कर देंगे। जो हमारे नाकामियों पर सवाल खड़ा करेंगे, जो हमारे कमियों को उठाएंगे, हम उनको जेल की सलाखों के पीछे कर देंगे। लोकतंत्र नहीं मानना है, तानाशाही दिखानी है, ये उनके वक्तव्य से साफ जाहिर होता है। मैं एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं आपको और वो वीडियो
पंजाब चुनाव से पहले की है, उसमें भी वो मंशा उनको साफ दिख रही कि किस तरह से उन्होंने बातें कही थी उनको पूरा नहीं किया। बरगाड़ी कांड को लेके पूरे पंजाब की जनता बहुत नाराज है। पंजाब की जनता चाहती है कि बरगाड़ी कांड के जो मास्टरमाइंड थे उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई। और मास्टरमाइंड कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुंवर विजय प्रताप सिंह जी की रिपोर्ट है, चन्नी साहब उस रिपोर्ट को उठा के देख लें, उसमें नाम लिखे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर उनपे कार्रवाई हो सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। बरगाड़ी कांड के दोषियों को, पूरे पंजाब की आत्मा को शांति मिलेगी। आपने दोनों वीडियो देखी, सुनी है और देखी है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई, जो जो इन्होंने वादे किए थे उस समय, जब पंजाब चुनाव से पहले ये ड्रग माफिया की बात करते थे, उसको तोड़ने की बात करते थे, और जब सरकार में आ गए तो पंजाब के अंदर ड्रग माफिया के ऊपर कार्रवाई हो, उसके ऊपर एसआईटी बने, इसके लिए कोई भी काम केजरीवाल सरकार ने नहीं किया। और इससे पहले, चुनाव से पहले, जब गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, और उसमें जैसा आपने वीडियो में देखा, इन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों को 24 घंटे के अंदर हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, और उसमें एक हवाला दिया उन्होंने कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट का, जो कि उस समय वहां के पंजाब पुलिस के प्रमुख थे। बाद में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा। उस रिपोर्ट के अंदर जिन जिन लोगों को दोषी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने ठहराया, खुद कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इस बात को ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, कि जिन दोषियों को हमने बताया था कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी किसने की है, उन्हीं दोषियों को पंजाब के अंदर केजरीवाल सरकार ने प्रमोशन दिया है, उनको प्रमोट किया है। तो ये दो बातें बताती हैं कि क्या मंशा थी केजरीवाल आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर, कि वो कह रहे थे कि जैसे ही हमारे पास पुलिस आ जाएगी, अभी पुलिस नहीं है, हम जितने भी ऐसे लोग हैं जो हमारे विरोध में हमारे बोलते हैं, कमियों को उजागर करते हैं, हम उनको पुलिस का डर दिखाएंगे, पुलिस की तानाशाही दिखाएंगे। और वही काम आज उन्होंने करके दिखा दिया है, जब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, हर पार्टी के नेताओं को खुद अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्यों तक के घर पुलिस भेज दी है, ये डर दिखाने के लिए कि हमारे पास पुलिस आ गई है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे खिलाफ झूठी FIR करा देंगे, झूठी SID गठित कर देंगे, और हम सारे वो काम करेंगे, तुम्हारा मुंह नहीं खुले हमारे खिलाफ, इसके लिए तुम्हारे अंदर डर और दहशत पैदा कर देंगे। हमारे साथ दो मित्र यहाँ पर मौजूद हैं, एक नवीन कुमार जी, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा जी। बग्गा जी के ऊपर तो SIT बना दी है, और नवीन कुमार जी के ऊपर भी कई केस कर दिए हैं, प्रीति गांधी के ऊपर कई केस कर दिए हैं, कुमार विश्वास के घर पुलिस भेज दी, और भी कई पार्टियों के नेताओं के घर पुलिस भेज दी। यानी जो भी केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा, जो उनके स्कूल की आलोचना करेगा, जो उनकी मोहल्ला क्लिनिक की आलोचना करेगा, जो कहेगा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के दोषियों को आपने कहा था 24 घंटे के अंदर सजा दो बात को उठाएगा, या जो आपके कमियों को उजागर करेगा, उसको केजरीवाल जी को वो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अब उनको पुलिस मिल गई है, तो वो हर जगह पूरे देश के अंदर पंजाब पुलिस को भेजेंगे, और अपने यहाँ ड्रग माफिया के ऊपर SIT नहीं गठित करेंगे, अपने यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये बात आज मैं कहना चाहता हूँ, मैंने आपको संक्षेप में ये बातें बताई हैं, लेकिन पंजाब को बहुत नज़दीकी से जानने वाले सिरसा जी इस बात को हमारे बीच में डिटेल में आपके बीच में बताएंगे। मैं सिरसा जी को कहता हूं कि आप सारी बातें डिटेल में बताएं।
धन्यवाद। पंजाब सरकार जिसके मुखिया भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के कन्वीनर हैं, जिस तरीके से वो पंजाब पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, दुनिया भर के अंदर पंजाब के लोग पूरी दुनिया के अंदर गौरवशाही माने जाते हैं, उन्होंने अपने कामों से पूरी दुनिया के दिल जीता है। पंजाब पुलिस को पहले कांग्रेस ने बदनाम किया, फेक इनकाउंटरों से लोगों को मरवाया, फिर अकाली दल ने हजारों लोगों के ऊपर गैर कानूनी मुकदमे दर्ज कराए, और तब कांग्रेस ने चला चला कर कहा हमारी सरकार आएगी हम वो मुकदमे खारिज कर देंगे। कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने बदलाखोरी के लिए, अपने लोगों की दबाने के लिए, कोई आवाज़ ना उठे, मुकदमे दर्ज करने शुरू किए। तो अरविंद केजरीवाल ने स्टेटमेंट दी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम वो सारे मुकदमे ख़त्म कर देंगे जो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर दबाने के लिए बनाए गए थे। पर इससे विपरीत हैरानगी इस बात की है, आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी उसी रास्ते पर चले हैं। पंजाब पुलिस जो अपनी ताकत के लिए जानी जाती है, जो पंजाब पुलिस हमारे देश का गौरव है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तजिंदर बग्गा जी यहाँ बैठे हैं, हमारे भाई नवीन जिंदल जी के ऊपर जिस तरह से धाराएं लगाई गई, प्रीति गांधी के ऊपर, कुमार विश्वास के ऊपर, और भी पार्टियों के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, और ज़्यादातर पंजाब पुलिस आजकल दिल्ली में ही रहती है, कभी किसी नेता के घर जाती है, कभी किसी नेता के घर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो लोग आम आदमी पार्टी की दोहरा चेहरा, बेईमानी का चेहरा, फ्रॉड चेहरा, जो कल आपने देखा केरला के लिए कहा गया कि केरला की सरकार हमारे स्कूल विजिट करने आई है, कितनी बेशर्मी की बात है। 10 मिनट बाद केरला सरकार ने कहा भैया बताइए तुम्हारे लोग हमारा स्कूल देखने आए हैं, हमारा मॉडल देखने आए हैं, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल सब चुप्पी साध गए। जो लोग ऐसे एक्सपोज करते हैं उनके ऊपर पुलिस भेज देते हैं ये। लेकिन आज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने पंजाब के अंदर नजायज मुकदमे दर्ज हुए लेकिन दिल्ली से उठाने के लिए लोग चल पड़े पुलिस, ये तो हमने नहीं देखा था। SIT की बातें अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी कहा करते थे हम बहबल कला का इंसाफ देंगे, हम बरगाड़ी का इंसाफ देंगे, और यहां तक कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो लोग जेलों में होंगे, उनके नाम हमारे पास हैं, वो SIT की रिपोर्ट में हैं। अरविंद केजरीवाल जी बजाय इसके कि आप वो SIT बनाते जो बहबल कला और बरगाड़ी के लोगों में जेल में डालती, 30 लोग बेगुनाह लोग अभी मारे गए, कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मारे गए, उनके लिए आपने SIT नहीं बनाई। ड्रग माफिया के कारण आपने देखा परसों भी एक बच्चा मारा गया, किस तरह से माओ के बच्चे मर रहे हैं, लेकिन आपने उनके लिए भी SIT नहीं बनाई। किसी ड्रग माफिया को आज तक आपने अंदर नहीं बंद किया। किसी पैसे लेने वाले ने गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि एक खालिस्तानी है, एंटी नेशनल है, उसने 3 दिन पहले वीडियो डालकर बहुत ही एक बड़ा इल्जाम लगाया अरविंद केजरीवाल पे, भगवंत मान पे, कि इन लोगों ने करोड़ों रुपया सिख फॉर जस्टिस के नाम से इकट्ठा किया है चुनाव में। मैंने वो वीडियो ट्वीट भी की, आपने इस पे भी SIT नहीं बनाई, आपने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। अच्छा होता अगर आप सच ये झूठ था तो आप SIT बना के कार्रवाई करते, लेकिन आप SIT किस पे बनाते हैं? जो लोग 1 अप्रैल 2022 को बग्गा के ऊपर SIT बना दी, अरे भाई बग्गा को क्रिमिनल है क्या? बग्गा को आतंकवादी है क्या? बग्गा ने को लोगों को मारा है क्या? SIT का मतलब क्या होता है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कब बनाई जाती है? जब आपने देखना है कि बहुत बड़ा केस हो गया, ये एक पुलिस अफसर इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, SIT बनाई जाती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी है? कि बग्गा ने ट्वीट क्यों डाला, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करनी है। SIT क्या इन्वेस्टिगेट करेगी कि बग्गा ने ट्वीट क्यों डाला? क्या शर्म की बात है यार, हमें बड़ा अफसोस है, हमें ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, हमें इसका अफसोस है। तुम इस घटिया कदर नीचे उतर आए हो। पंजाब पुलिस ऐसे लोगों के घरों में चक्कर काटती है, अरे देशभक्त लोग हैं, देश के लिए लड़ने मरने वाले लोग हैं, और आप हमारी उस पंजाब की गौरवशाही पुलिस को इन कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैं पंजाब पुलिस के अफसरों को भी कहना चाहता हूं, सरकारें कितनी बार बदली हैं, अब देखिए कितने लोग मुकदमे झेल रहे हैं, पंजाब पुलिस के भी कितने लोग मुकदमे झेल रहे हैं, कितने जेलों में गए, क्यों?
क्योंकि तब राज सत्ता की लालच के लिए अच्छी कुर्सियां पाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हम सख्त शब्दों में इसकी निंदा भी करते हैं और पंजाब पुलिस को आगाह करते हैं, अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे हमें कोर्टों में भी मूव करना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट भी मूव करेंगे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र ने सरकार ने ऐसा किया था अर्णब गोस्वामी के खिलाफ, क्या हुआ? वो डीजीपी जो चलाया करता था बॉम्बे का, मैं याद करना चाहता हूं उस डीजीपी को, याद करे पंजाब पुलिस जो चंडीगढ़ का सॉरी मुंबई का कमिश्नर था, क्या नाम था उसका, परमवीर सिंह, आजकल अपनी जान बचाने को भाग रहा है। ये काम ठीक नहीं होता, कानून के काम कानून के दायरे में रह के करने चाहिए, और जो ये गुंडागर्दी करने की कोशिश कर जा रही है, हमारे लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है, किसी सूरत में ना दबेंगे और ना डरेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई ऐसी करेंगे कि आपको डरना और दबना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी दुहाई देते हो आप दिल्ली मॉडल की, ये दिल्ली मॉडल है कि आपके पास पुलिस आएगी और अपन दिल्ली से लोगों को उठा के ले जाएंगे, ये है दिल्ली का मॉडल। मैं बड़े दुख और खेद के साथ कहने लगा हूं अरविंद केजरीवाल तानाशाह है, इतना बड़ा तानाशाह देश में शायद पहले कोई हुआ हो। एक सूबे की अभी पुलिस मिली है, स्टेट के अंदर अलग अलग स्टेटों का, इस देश के अंदर अलग अलग पार्टियों का राज है, महाराष्ट्र में एक पार्टी है, बंगाल में दूसरी पार्टी है, केसीआर का राज है यहां पे, आंध्र प्रदेश में एक तीसरी पार्टी है। कभी आपने सुना है कि वहां की पुलिस दिल्ली के लोगों को अरेस्ट करने के लिए भाग आए? तो कभी गुंडागर्दी सुनी नहीं हमने। इसलिए जहां हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, वहीं हम ये याद करना चाहते हैं पंजाब पुलिस को भी, आप भी अपना इतिहास देखिए, जब जब किसी ने इस तरह की गुंडागर्दी करी है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो जिंदर बख्ता बग्गा हो या नवीन जिंदल जी हो, हमारी पार्टी के आगू हैं, ये इसी तरह लड़ाई लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी के एक एक पोल खोलेंगे। जो आप दिल्ली का मॉडल कहते हो स्कूलों का, जिसके अंदर कोई टीचर नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, बच्चों को तुम नौवीं के बच्चों को दसवीं में जाने नहीं देते, लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, जो तुम हॉस्पिटल की बात करते हो अपने एमएलओ का इलाज कराने के लिए तो तुम अपोलो लेके जाते हो, लेकिन कहते हो मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है, हमारा मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा है। किसके लिए अच्छा है भाई? कुत्तों बिल्लों के लिए अच्छा है, बताओ। वहां कुत्ते वहां घूम रहे होते हैं, आप देखिए मेरे इलाके के अंदर बकरी थी, बकरी बताइए आप, और आप अपने इन लोगों का इलाज कराने के लिए अपोलो हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसलिए ये चीजें एक्सपोज करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को अगर कोई कार्रवाई करनी है, जो कि करने का उनका मंशा तो नहीं है, पर करनी है तो बरगाड़ी पे एसआईटी बनाओ, बैबल कला पे एसआईटी बनाओ, जो अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी मारे गए उन पर एसआईटी बनाओ, जो ड्रग्स के कारण बच्चे मारे गए उन पर एसआईटी बनाओ, जो ड्रग्स लेके आ रहे हैं उन पर एसआईटी बनाओ, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि तुमने करोड़ों रुपए उनके नाम से इकट्ठा किया है, अगर ये झूठ है तो उस पर एसआईटी बनाओ, और एसआईटी बनानी है तो उस पर एसआईटी बनाओ जो खुद कुंवर विजय प्रताप ने, जो खुद कुंवर विजय प्रताप ने कहा है कि तुमने उन अफसरों को लगा दिया जिन्होंने क्लीन चिट दी थी, इन पे एसआईटी बनाओ। और अभी देखो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, बग्गा के ऊपर दो मुकदमे और दर्ज करने की तैयारी है, और उसमें क्या लिखा है, पुलिस जा रही थी उन्होंने एक पोस्टर लगा देखा, जब वो पोस्टर के पास पहुंचे तो लगाने वाले भाग गए। दूसरी क्या कंप्लेंट है कि हमें एक अच्छे आदमी का फोन आया, उसने बताया कि मुझे पोस्टर लगाने को दिए हैं, जब ने देखा वो बग्गा ने लगाने को दिए थे, जब वो आदमी को ढूंढा वो आदमी भाग गया, पोस्टर मिल गए आदमी भाग गया। यार कोई शर्मा नहीं चाहिए यार। और मैं पंजाब पुलिस को फिर से कहना चाहता हूं, कहां यार आपका गौरव में इतिहास है, कहां आपकी शान है, क्यों इनके चक्कर में बदनामी कर रहे हो? अफसर साहिबानों को विनती करता हूं, कुर्सियां आती और जाती रहती हैं, कुर्सियों के लालच में इस कदर मत आओ, और ये जो गलत काम आपने अपनाया है, हम कोर्टों में जाएं कचहरी में जाएं, हम किसी अपने आदमी को अरेस्ट नहीं होने देंगे, किसी नजायज तुम कोशिश करोगे तुम नजायज अरेस्ट कर पाओगे नहीं होने देंगे, और कोर्ट भी करेगी और फिर उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। मैं उन अफसरों को चेतावनी देना चाहता हूं जो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम कोर्टों में जाएंगे और आपके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद। आपके कोई सवाल? तो
हम तो कानूनी कराते हैं, हमारी एफआईआर कानूनी है, हम कानून के दायरे में अगर कोई डिफेमेशन करेगा, नहीं मेरी बिनती सुनिए, अगर कोई डिफेमेशन का काम करेगा तो डिफेमेशन की एफआईआर होगी ना। हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बात तो मानी, यहां पे एडमिट की कि हमारे भाइयों के ऊपर नजायज और झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, मीडिया के बंधु भी मान रहे हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको यह जरूर बता देता हूं, आपको ऐसा सवाल पूछने का मौका कभी नहीं मिलेगा कि हमारी गलत मुकदमा दर्ज हुआ हो और आपको सवाल पूछना पड़े, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। अगर कानून में